जीयूजे सेट क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कब एग्जाम फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, कब इसका एग्जाम होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। जीयूजे सेट एग्ज़ाम, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी को निकले हैं और ये 20 जनवरी तक चलेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आपको मालूम चल गई, 6 जनवरी से 20 जनवरी तक। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है 350 रुपीज़, 350 रुपये आपके लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आप गुजरात के ही रेजिडेंट होने चाहिए। गुजरात के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ गुजरात के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे वो गुजरात बोर्ड से हो या वो CBSE से हो, ICSE से हो, किसी भी बोर्ड से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुजरात के रेसिडेंट होना चाहिए, गुजरात के निवासी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एग्ज़ाम किस लिए देते हैं, आप इस जीयूजे सेट से आप बीटेक एंड बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीटेक एंड बी फार्मा के लिए आप मेनली अप्लाई कर सकते हो। ये दो कोर्स आपको इससे मिल जाएंगे, गुजरात के किसी भी जगह पे आप ये दो कोर्स कर सकते हो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो। और एलिजिबिलिटी में क्या है, आपका कम से कम 45% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो जैसे कि OBC SC ST से हो तो आपका कम से कम 40% होना चाहिए 12वीं में। आपने 12वीं पास नहीं की है, आप 12वीं में हो और इसी साल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म आउट है, 350 रुपये इसकी फ़ीस है। और मैं बता देती हूँ इस फॉर्म के बारे में, आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपके 12th में। अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर वोकेशनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक हो तो चलेगा, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, इसके बिना आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये सारी बातें हैं, आप इससे बीटेक में भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। एग्ज़ाम के थ्रू आपको बीटेक में भी एडमिशन मिलता है, बीटेक के कई कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारी डिटेल्स हैं आपके जीयूजे सेट के बारे में। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है जीयूजे सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं थी कॉमेंट्स में, बिकॉज आई वॉज एट होम एंड कॉमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मेरे लिए मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। अगर आप में से किसी का भी कमेंट रह गया है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया और आपको रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप प्लीज़ वापस से कमेंट कर दो। आई एम नाउ वेरी एक्टिव टू रिप्लाई। ओके, बाय, टेक केयर।